मेरा नाम शमीम रैना है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस की और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर भी हूँ और जेडिकल कॉन्स्टिट्यूंसी की कैंडिडेट। मैडम जी, जो हाल ही में जो ऐलान किया गया इलेक्शन, इसका क्या आपको लग रहा है हालात अभी ग्राउंड लेवल पे सही हैं इलेक्शन के लिए? जो इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे आज उन्होंने रिपोर्ट दे दी है, मैं उसके उस बात से मुतफिक नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि लोकसभा पोल के लिए कश्मीर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है तो और फिर जो असेंबली इलेक्शन हैं उसके लिए ठीक नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर इलेक्शन कराया जाए तो फिर तो असेंबली इलेक्शन के लिए हालात मौजूद क्यों नहीं है। वैसे लोगों को इलेक्शन के लिए इलेक्शन ज़रूरी है क्योंकि जो आजकल आवाम को बहुत मुश्किलों से दो चार है उनको इलेक्टेड पीपल ही उनका सलूशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखिए जब से हमारा यहाँ पे गवर्नर रूल है था अभी प्रेसिडेंट रूल है तो यहाँ पे लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इलेक्शन ज़रूरी है। तो आपको लग रहा है लोग भी तैयार हैं इलेक्शन के लिए यहाँ पे? मुझे लगता है कि लोग तैयार होने भी चाहिए और तैयार भी हैं क्योंकि उनको आपने देखा कि जब से आरएसएस की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने हमारे नौजवानों जो उन्होंने कम्युनलिज्म यहाँ पे स्टार्ट किया और हमारे जो जम्मू कश्मीर के यूथ्स है या जहाँ जो ताजर बरादरी है उनको बाहर कैसा होना, उन्होंने मज़हब के नाम पर सियासत की है और लोग इससे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को मुश्किल से दो चार होना पड़ रहा है और जो कम्युनलिज्म यहाँ पर आया है तो लोग भी मेरे ख्याल से इलेक्शन के लिए तैयार है ताकि जो इलेक्टेड पीपल हो जो जम्मू कश्मीर के मामलों में अभी मुदाखलत की जा रही है वो लोग भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए ताकि हमें भी जो यहाँ पे मुश्किलें हैं वो दूर हो जाए। तो आपको लग रहा है आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस का भी जो है कांग्रेस की बारी अक्सरियत होगी? इंशाल्लाह, मुझे जहाँ तक लग रहा है जो लोगों का रुझान है वो कांग्रेस की तरफ ही है क्योंकि कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है जो कम्युनलिज्म नहीं करता है, जो सेक्युलर पार्टी है वो ये नहीं देखता कि जहाँ तक हमारा कांग्रेस पार्टी का रोल है हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमने सबको एक साथ जुड़ के हम काम कर रहे हैं। जो बीजेपी आरएसएस बिल्कुल उसके डिफरेंट है जो कम्युनलिज्म फैलाया है, मुझे लगता है जो हमारा